हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। क्या आप भी अपने स्मार्टफोन को कंप्यूटर बनाना चाहते हो? अगर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे किस प्रकार से। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखना दोस्तों, बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता देना चाहता हूँ, अगर आप माउस और OTG लगाते हो तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आपके पास है तो माउस और OTG यूज कर सकते हो, नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में और बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्ले स्टोर में आने के बाद ऊपर सर्च बार में सर्च करना है Win7। तो ये आ चुका है, मैं इसे सर्च करता हूँ तो फर्स्ट ही आ चुका है अपनी एप्लीकेशन Win7 सेमो। 5 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं इसके, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार। हेलो, आइए मैं माउस और OTG का यूज कर रहा हूँ, तो सिंपली माउस OTG लगा लेते हैं। अगर आप यूजर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हो, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं कैंसिल करता हूँ। तो ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों, ओपन हो चुका है ये। मैं माउस का यूज कर रहा हूँ, अगर आप नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसकी देखते हैं कुछ सेटिंग को। देखिए दोस्तों कितना ही अच्छा लुक दे रहा है। ये अपना एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड स्टोरेज। ये मेरे में SD कार्ड पड़ी है 16 GB की, वो शो हो रही है। तो इसे खोल कर देखते हैं, ये देखिए सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है सेम जैसे कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं। और बैटरी भी शो हो रही है, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, टाइम शो हो रहा है ये। और इसे विंडो पे क्लिक करते हैं तो देखिए बिल्कुल सेम है, ये नोट पैड है। ये टाइप कर सकते हैं आप, मैं अपना नेम टाइप करता हूँ। कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं इसमें। चलिए अब और देखते हैं, और इसमें अगर आप बिना माउस के करते हो तो उसमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है एक जगह पे, और ये ऑप्शन आ जाएगा पर्सनालिटी एज का, तो इस पर क्लिक करिए। अगर माउस लगा कर करते हैं तो राइट क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। तो चलिए इसमें वॉलपेपर सेट करके देखते हैं। तो कुछ वेट करोगे तो ऐसे ही वॉलपेपर चेंज हो ही जाएगा। देखिए दोस्तों चेंज हो चुका है ये। फिर राइट क्लिक करिए, पर्सनालिटीज में जाइए। अब स्क्रीन सेवर लगा कर देखते हैं, तो ये स्क्रीन सेवर इधर है, फिर क्लिक करिए तो ये आ चुका है। थोड़ा वेट करना होगा, इस पर टिक करिए, रिव्यू करिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार का ये 1 मिनट बाद आएगा, तो इसे ओके कर देते हैं। तो दोस्तों ओके हो चुका है, फिर से सिंपली बैक आ जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करिए, प्लीज़ मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।